अध्याय एक, शुरुआती वर्ष। कुमाऊं की वादियों में बसे अल्मोड़ा जिले में तलासलाम गांव में रहने वाले युवा पान सिंह के लिए जीवन बहुत आसान नहीं था। उत्तरांचल के इस गांव में अब तो बस भी नहीं जाती है, लेकिन 1964 में जब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तब यहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी और दुर्गम पहाड़ी इलाके से बस पद यात्रा ही करनी पड़ती थी। यही वजह कि सैलानियों के लिए बनाए गए इस इलाके के ब्रोशर में कहा जाता है कि यहाँ के बाशिंदे अप्रत्याशित रूप से फिट होते हैं और उनमें कठिन से कठिन कार्य को करने की क्षमता होती है। यही गुण पान सिंह में भी थी और फिर उनके बच्चों को विरासत में मिली थी। खेती बड़ी मेहनत का काम था और इसमें अधिक मुनाफे की भी गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा कम पढ़े लिखे पान सिंह नौकरी की तलाश में लखनऊ चले गए। उनके पास था तो बस दृढ़ निश्चय और कुछ करने का जज्बा। वहां से वे बिहार में बोकारो गए, जहां हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड अपना नया इस्पात संयंत्र खोलने जा रहा था। बोकारो से वे रांची गए, जहाँ वे मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड या मेकन में नौकरी करने लगी। शुरुआती तौर पर उन्हें दिहाड़ी पर मजदूरी करनी पड़ी, बाद में पदोन्नति होती गई और उन्होंने सुपरवाइजर के तौर पर रिटायरमेंट ली। नैनीताल की रहने वाली देव की देवी से 1969 में उनका विवाह हुआ। उनके बेटे महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में 7 जुलाई 1981 को हुआ। उनका एक बड़ा भाई नरेंद्र और 4 साल बड़ी बहन जयंती है। नरेंद्र अल्मोड़ा में पुश्तैनी संपत्ति की देखरेख करते थे। इसके बाद रांची आकर वह अपने भाई के क्रिकेट करियर से जुड़ी परियोजनाओं के प्रबंध से जुड़ गए। अल्मोड़ा में अभी भी पान सिंह के रिश्तेदार हैं, यानी कुमाऊं से उनका नाता पूरी तरह टूटा नहीं है। पंप ऑपरेटर के तौर पर पान सिंह का काम श्यामली कॉलोनी में जल आपूर्ति करना था, जहाँ DAV जवाहर विद्या मंदिर स्कूल है। यह वही स्कूल है जहाँ नरेंद्र और माही के नाम से पुकारे जाने वाले महेंद्र पढ़ा करते थे। अब इनकी बहन जयंती यहाँ पढ़ाती है। उनके पति गौतम गुप्ता ने भी इसी स्कूल में तालीम हासिल की है। क्रिकेट से पान सिंह का नाता तब जुड़ा जब उन्हें नवंबर 1984 में बिहार और उड़ीसा के बीच होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच के लिए रांची के मेकन स्टेडियम पर तैयार की गई टर्फ के लिए पर्याप्त जलापूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई। वह जमाना पानी की राशनिंग का था और नमी के बिना टर्फ बर्बाद होने का डर था। हालात और भी मुश्किल हो गए क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कारण कर्फ्यू लगा था। इसे कर्मयोग ही कहेंगे कि इसी स्टेडियम पर कुछ साल बाद उनके सबसे छोटे बेटे ने पहली बार नाम कमाया। मैदान के चारों ओर छक्कों की बरसात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकदीर के दरवाजे खुलने की पहली सीढ़ी थी। माही का खेल से जबरदस्त लगाव था। हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और फुटबॉल के गोलकीपर के तौर पर उन्होंने अपने प्रदर्शन की छाप छोड़ी। इसके बाद वे क्रिकेट के उस शिखर पर पहुंच गए जब उनसे सवाल किया गया अगर वे क्रिकेटर नहीं होते तो वे क्या होते, और उनका जवाब था कि शायद वे नामचीन फुटबॉलर होते, कोलकाता के किसी चोटी के क्लब का हिस्सा होते। माही जब 7वीं में थे तब जो हुआ उसे फुटबॉल का नुकसान और क्रिकेट का फायदा ही कहेंगे। नियमित विकेट कीपर के अनुपस्थित रहने खेल प्रशिक्षक केशव रंजन बनर्जी ने माही को विकेट कीपिंग की सलाह दी। इसके पीछे तर्क यह था कि फुटबॉल के गोलकीपर के लिए विकेट कीपिंग कोई मुश्किल काम नहीं। धोनी ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। विकेट के पीछे भी उनका प्रदर्शन असरदार था। विकेट कीपिंग में खुद को मांझने के लिए हालांकि उन्हें 1 साल अथक परिश्रम करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने एक भी प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला। उन्होंने 1994 में पहली बार विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली और पूरे 1 दशक बाद टीम इंडिया के विकेट कीपर बने। इसके 3 साल बाद वे स्कूल के हीरो बन गए जब उन्होंने 150 गेंदों में 26 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 213 रन बनाए। अपने सलामी जोड़ीदार शबीर हुसैन के साथ उन्होंने पूरे दिन बल्लेबाजी करते हुए 378 रन जोड़े और इंटर स्कूल ट्रॉफी जीती। बरसों बाद अपनी आक्रामक शैली के बारे में धोनी ने कहा, मैं शुरू से ही गेंद को पीटने में यकीन करता था, मुझे यह पसंद है। इसके अलावा मेरे जहन में कुछ नहीं चलता। मैंने टेनिस गेंद से खेलना शुरू किया था, किसी गेंद को छोड़ने का चलन नहीं हुआ करता था, हर गेंद पर रन लिया जाता था।
रांची के क्रिकेट क्लबों ने धोनी की तरफ ध्यान दिया और धोनी 1995 से 1998 तक कमांडो क्रिकेट क्लब के लिए खेले। प्रारंभिक दिनों में उनके मददगारों में खेलों के सामान की एक छोटी सी दुकान चलाने वाले परमजीत सिंह शामिल हैं, जिन्होंने लुधियाना के एक क्रिकेट उपकरण निर्माता को इस बात के लिए मनाया कि वे प्रतिभाशाली स्कूली छात्र को सामान मुहैया करा दे। सिंह की प्राइम स्पोर्ट दुकान पर आज औसतन 80 बल्ले प्रतिमा बिकते हैं। इसका श्रेय छोटे शहर से निकले इस महानायक को जाता है। MS धोनी की अद्भुत कहानी में यह कर्मयोग का एक और उदाहरण है। धोनी ने 1998 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की टीम के लिए खेलना शुरू किया, जहां उन्हें 2200 रुपये मासिक भत्ता मिलने लगा। इसी पैसे से 18 वर्ष के इस लड़के ने एक पुरानी मोटर बाइक खरीदी। आज उनके पास अत्याधुनिक मोटर बाइकों की पूरी कतार है। रांची में उन दिनों क्लब क्रिकेट 15 से 16 ओवर का हुआ करता था, जिसमें 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले के लिए कुछ कर दिखाने अवसर कम ही होते थे। CCL में धोनी बल्लेबाजी क्रम में ऊपर उतरने लगे और उनकी प्रतिभा को निखरने का मौका मिला। देश भर के लाखों स्कूली बच्चों की तरह अध्ययन ही उनकी प्राथमिकता थी। हालांकि क्रिकेट लड़कपन के उन दिनों में भी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा। सुबह 7:30 बजे स्कूल जाने के बाद वे लंच के लिए 1:30 बजे लौटते, उसके बाद नेट पर चले जाते। शाम 6:30 से 9 बजे तक का समय पढ़ाई का था। इसके अलावा तड़के 1 घंटा भी अध्ययन करना होता है। उनका अधिकांश समय क्रिकेट के मैदान पर बीतता, लेकिन उनके माता पिता को फक्र था कि उनका छोटा बेटा होनहार छात्र है और हमेशा प्रथम श्रेणी में पास होता है। उन्होंने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 66% अंक पाए। दमदार पारिवारिक जीवन और दूध चावल खाने के शौक ने उन्हें भीतर मजबूत बनाया। उन्हें चिकन भी पसंद था, इससे उन्हें अनवरत क्रिकेट खेलने दमखम मिला। माही बचपन से सचिन तेंदुलकर के दीवाने थे। वे ऑस्ट्रेलिया में 1992 विश्व कप के दौरान जल्दी उठ जाया करते थे ताकि तेंदुलकर को बल्लेबाजी करते देख सकें। सचिन के आउट होने के बाद वे फिर सो जाते। शारजाह में तेंदुलकर की यादगार तूफानी पारियों को वे आज तक नहीं भुला सके हैं। ऐसा कोई बिरला ही होता है जिसका अपने आदर्श रहे किसी खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम में रहने और खेलने का सपना सच हो जाए। धोनी तो सचिन के कप्तान भी बन गए। धोनी के पिता कड़े अनुशासन प्रिय थे और माही स्वीकार करते हैं कि वे अपने पिता से काफ़ी डरते थे। माँ उनके लिए दोस्त की तरह थी, जो हमेशा उन्हें बचाती और उनकी कामयाबी के लिए दुआ करती। पिता से अधिक माँ ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता और भाई अपनी किशोरावस्था में अच्छे फुटबॉलर थे। माही ने 1999 में 12वीं का इम्तिहान पास किया। बोर्ड के पर्चे देना और CCL के मैचों के लिए समय निकालना काफ़ी मुश्किल काम था। बाद में उन्होंने BCom ऑनर्स पहले साल के लिए रांची यूनिवर्सिटी के गोसनेर कॉलेज में दाखिला लिया। वे कॉलेज क्रिकेट टीम के कप्तान भी बने, लेकिन कभी भी इम्तिहान में बैठने का उन्हें समय नहीं मिल सका। उस समय तक उनका प्रथम श्रेणी के करियर शुरू हो चुका था, लिहाजा तालीम हाशिए पर चली गई।